हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो भाई ये ना पूरी एक सीरीज होने वाली है, हम जा रहे हैं भाई केदारनाथ। आपने मतलब जो टाइटल और थंबनेल वगैरह में देख लिया होगा। तो भाई हम जा रहे हैं अपनी एस्प्रेसो सीएनजी को लेकर और उसको टेस्ट भी करेंगे। अभी हाल ही में हमने ट्रू वैल्यू से परचेस की थी और उसकी वीडियो में बना नहीं पाया था किसी रीज़न की वजह से। तो भाई अब हम ना उसकी रोड ट्रिप कर रहे हैं पूरी और सीएनजी पंप में मैं आया हूँ फिलहाल। यहाँ से सीएनजी भरवा के चल रहे हैं। अभी हमें हैं गाजियाबाद, तो गाजियाबाद से भाई सीधा हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में स्टे करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे भाई केदारनाथ के लिए। अगर आप सीएनजी गाड़ी को ले जाना चाहते हो ट्रिप पर, मतलब केदारनाथ वगैरह ये सब, तो भाई वीडियो देख लेना। हम भी फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं भाई क्या होता है। मतलब अभी कुछ ऐसे प्लान नहीं है, वहाँ जाकर पता चलेगा कि कहाँ तक सीएनजी पर चलती है, फिर कहाँ से पेट्रोल पर चलती है, कितना एवरेज देती है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ है ना अपनी फुल हो रही है गाड़ी सीएनजी पर, ये वाली है भाई VXI सीएनजी में, कॉम्बिनेटेड सीएनजी आती है इसके अंदर। और इसमें 2 किलो, मतलब इसमें मुझे क्या 8-9 किलो आ जाएगी, इसमें 8-9 किलो पर मिल जाएगी। कितनी भाई पूरी खाली थी ये, अब देखते हैं भाई कितने में फुल होती है ये, कितने किलो में आ जाती है, और पूरा ना एवरेज वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे। और भाई इसका ना फ़ायदा ये है, ग्राउंड क्लीयरेंस गाड़ी का अच्छा खासा है। मतलब आप देखो ना तो ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी है इस गाड़ी का, तो भाई फ़ायदा तो रहेगा पहाड़ों वगैरह पर। देखते हैं भाई कैसा इसका हमारा एक्सपीरियंस रहता है। अभी ली थी ये हमने, 2021 का ही मॉडल है ये। कितनी आ जाएगी इसमें, 6:40 आई है। प्रेशर तो ठीक है इसमें, प्रेशर तो बढ़िया भाई, 200 है प्रेशर, 506 रुपये भाई। ये चलाना भाई, एक मिनट से ऑन करना, स्टार्ट मत करना। तो ये देखो ये इसमें इंडिकेशन ऐसे दिखाती है, ये पेट्रोल का, ये सीएनजी का। सीएनजी फुल हो गई है और अभी फ्लक्चुएट कर रही है, जब स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी चलेगी तो सीएनजी पे से फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएट करना बंद हो जाएगी। तो भाई ये अपना प्रिंस भाई साथ में है। भाई तुझे क्या लगता है, मतलब कैसी रहेगी ट्रिप सीएनजी गाड़ी में हमारी? भाई तो दिख भी नहीं रहा, रुक जा फ्लैश चलाता हूँ। सीएनजी गाड़ी में अच्छा एवरेज निकाल के देगी हाईवे पे तो, और प्लस तेरा ऋषिकेश तक हम सीएनजी पे चलाएंगे, उसके बाद फिर पेट्रोल पे स्विच करेंगे, पेट्रोल पे चलेगी, फिर वहां से आने के बाद सीएनजी पे चलेगी, यहां से फुल करवा लेंगे ऋषिकेश पे। तो भाई हमने पता क्या सोचा, हमने सोचा है कि इसको ना मतलब फुल अभी यहां से हमने करा लिया है, देखते हैं कहां तक जाती है, एक बार मुजफ्फरनगर में मेरठ में देख लेंगे, फुल करा लेंगे दोबारे, और उसके बाद ऋषिकेश तक पहुंच जाएंगे, फिर ऋषिकेश में फुल कराने के बाद वहां से पेट्रोल पे चलाएंगे, पेट्रोल ही फुल करा लेंगे, जीरो कर ले इसकी पता चल जाएगी। हां ट्रिप यार इसके जीरो कर देता हूं, ट्रिप से जीरो कर ले। तो भाई ये ट्रिप जीरो कर दी है यहाँ से, अब इसके एवरेज वगैरह कैलकुलेट करके देखते हैं। तो भाई अपनी ना 3 जने हम, देखो पूरा ना सामान भर रखा हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक का। मैं तेरा यहाँ खड़ा हूँ मेरे रूट पे। तो भाई अभी पहुंच गए भाई हरिद्वार, हरिद्वार जो थोड़ा पहले है। तो यार पहले ना ये गाड़ी देखो यार, भाई ये गाड़ी पता नहीं कौन सी है यार, येलो कलर की मस्त लग रही है भाई। भाई ये है होंडा की लेंसर आई थिंक, भाई सीएनजी लग रही है इसमें, कमाल की बात है। पर अब ये गाड़ी 185 किलोमीटर चल गई है और एक डंडा इसमें बच रहा है, देखता हूँ कितने में कितनी फुल होती है। फुल कराने के बाद इसमें फिर एवरेज निकाल के आपको दिखाता हूँ कितना इसने दिया है। भाई सिंगल ट्रिप है, कहीं रोकी नहीं है मैंने ना, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, पहले मैं सीएनजी डलवा लूँ कि भाई चलाने में कैसी है ये। यहाँ पे जो चल रही है ना 95 चल रही है यार सीएनजी, हरिद्वार के अंदर 95, तो उसमें देखते कितने आती है, 1.5 किलो कितना मतलब यहाँ पे 20-25 रुपये महंगी पड़ेगी। और भाई इसका एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा गाड़ी का, मैं अभी ना अभी आपको बताता हूँ अंदर बैठ के, अभी गाने वाने चला रखे भाई ने, अभी डल जा पूरी गैस फिर देखते हैं।
6.6 किलो भाई। अभी पता क्या हुआ, अपने जो साथ वाले भाई हैं ना, उनकी गाड़ी में हो गया पंचर, पहले वहाँ जा रहे हैं आप। यहाँ खड़ी है गाड़ी ना, वो देखते हैं इसमें क्या हुआ है, पंचर वंचर ही हुआ होगा भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है। भाई जैसे गाड़ी वाड़ी पंचर हो जाती है तो ये ध्यान रखो भाई, ये ना ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारी बीच हाईवे में गाड़ी पंचर हो चुकी है। टायर कट गया हमारा ना, तो कोई नहीं स्टेपनी लगा दी है इसमें, स्विफ्ट में जो स्पेयर व्हील आता है ये वाला आता है विदाउट अलॉय, तो फिर कटने से थोड़ी मतलब है कोई, तो फिर भी दिखाना पड़ेगा फिर इसे जल्दी। अरे छोड़ यार, पंचर हुआ होगा इसमें, फिर पंचर ही हुआ है तो भाई अपने एक बार एवरेज की बात कर लेते हैं, इसने कितना एवरेज दिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 57 के आसपास अभी चली है, बट उस टाइम जब हमने सीनियर डलवाई थी तो 85 मतलब 86 मान लो 86 के आसपास 186 के आसपास चली थी, तो अब जो इसमें सीएनजी आई हुआ है 6.6, तो अगर 6.6 85 को अगर आप 6.6 से डिवाइड करोगे 186 को, तो भाई लगभग 28-28.5 का एवरेज इसमें निकाला है, जिसमें कि मैंने तो रोन दिया भाई, मतलब 110 भगाई है, और सिंगल स्टॉप लिया है हरिद्वार में आके भाई गाजियाबाद से अपने, तो 187 टोटल चल गई है। अगर मैं करूँ एक्सपीरियंस की बात की मतलब कैसी लगी फर्स्ट टाइम एक्सप्रेसो चलाई है, तो मतलब चलाने में तो भाई मज़ा आता है फुल, इसको ऊंचा ऊंचा सा फील होता है, मतलब लगता है बैठ के किसी बड़ी सी गाड़ी में बैठ गए हो, बट और कुछ कमी वगैरह लगी नहीं है, बट थोड़ा नॉइजी इंजन है इसका, मतलब आवाज़ आती है अंदर, जैसे थोड़ा सा दबाओगे ना पंजा सा तो घर सी थोड़ी आवाज़ सी देती है। भैया तुम्हें भी लगता है ऐसा कुछ? हाँ, छोटे गियर में ऐसा हो और ज़्यादा रिस्क तो है। और यार टोल का एक्सपीरियंस बड़ा बेकार रहा ना हमारे साथ, पता नहीं क्या इनके स्कैनर नहीं चलते यार टोल वालों के, टोल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब ये जान ये करते हैं पैसे मांग रहे हैं 120 रुपये दो, उस पर लिखा है 75 रुपये, पता नहीं क्या करते हैं यार टोल वाले भाई, हमें तो समझ से पा रहे वो निकल गए आगे। तो भाई फाइनली पहुंच गए ऋषिकेश, यहाँ पर हमने एक रूम ले रखा है एक होटल में, होटल का नेम मैं बता दूंगा, जो साथ में जो भाई आते हैं उन्होंने बुक करा था, और भाई ये देखो चढ़ाई, अब यहाँ चढ़ के हमें जाना है होटल में, मुझे लग रहा है यही वाला ही होगा, कोई सा इसी में सही है, मैं दिखा दूंगा पैसे वैसे बता दूंगा कितने कैसे लिया है। अब जो हमने क्या करा, हमने जो अपनी गाड़ी वहाँ फुल करा दी थी जैसे आपने देखा था वीडियो में, उसके बाद अब यहाँ से हम पेट्रोल पर अपनी गाड़ी चलाएंगे ऊपर तक जहाँ भी जाना है केदारनाथ वगैरह, उतर ना करेंगे भाई हम सीएनजी पर, तो देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस रहता है, तो मिलते हैं सुबह, चलिए गुड नाइट।